الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال تعالى ومن يعمل سوءا ثم يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله توابا رحيما صدق الله العظيم گرامی قدر معزز برادران اسلام कुछ चीज़ें हमारी शरीयत ने ऐसी बताई है हमको जिन्हें मकासिद शरीयत कहा जाता है। मकासिद शरीयत को पूरा करना ये ईमान वाले की जिम्मेदारी है, शरई जिम्मेदारी। और वो मकासिद शरीयत में पहली चीज है अपनी जान की हिफाजत। दूसरी चीज है माल की हिफाजत। तीसरी चीज है आबरू और इज्जत की हिफाजत। और चौथी चीज है अपने दीन और ईमान की हिफाजत। ये चार चीजें मकासिद शरीयत कहलाती है। और इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह ताला ने साहिबे ईमान पर रखी है। इसलिए कि हमारी जान और हमारा माल ये सब कुछ अल्लाह ताला की अमानत है हमारे पास। इसलिए हम खुद इसको जाया नहीं कर सकते, हमारी नहीं है। कोई इसे जाया और बर्बाद करेगा तो हम उसको जाया और बर्बाद करने नहीं देंगे, हिफाजत करेंगे। शरई जिम्मेदारी है हमारी। और अगर गौर करें तो ये सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि एक जान अगर समाज में किसी की महफूज की जाएगी तो दूसरों की जानें महफूज होंगी, समाज अमन व अमान वाला बनेगा। इस एतबार से यह सामाजिक जिम्मेदारी भी है। जब अमानत है, हमारी चीज नहीं है, तो पहली चीज है इसकी हिफाजत खुद भी करना और दूसरों से करवाना। दूसरी बात है और दूसरी जिम्मेदारी है इस जान और माल को सही दायरे में खर्च करना। ताकत का इस्तेमाल गलत नहीं कर सकते हैं, माल का इस्तेमाल गलत नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि हमारा नहीं है, अल्लाह ताला का दिया हुआ है। उसके बताए हुए खुतूत और नकूश या उसकी गाइडलाइन के मुताबिक जान और माल का खर्च होगा जो शरीयत ने गाइडलाइन बताई है। ये दूसरी जिम्मेदारी। अगर ज्यादती हम पर हो रही है तो जब तक बर्दाश्त तो हो सकता है, किया जा सकता है। लेकिन अगर नाकाबिले बर्दाश्त तो सूरत हाल पैदा हो जाए तो ये तो दुनिया का भी उसूल और जब्त
कि हिफाजत खुद करनी पड़ेगी। हम किसी के हिफाजती इकदामात का इंतजार करेंगे और जान गंवा देंगे, ये ना अकल के एतबार से ठीक है, ना समाज के लिए बेहतर हो सकता है, ना शरीयत के मकासिद को पूरा करने की जिम्मेदारी है। दिफा, अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी। सब्र बुजदिली का नाम नहीं है। सब्रों का मतलब आकामे शरीयत पर अपने आप को जमाना, यहां तक कि अगर हमें किसी से अपने जानो माल के हक को लेने की बारी आए तो अब सब्र और शरीयत का दामन यह है कि हम उससे अपना हक लेने में या कहो बदला लेने में भी ज्यादती नहीं कर सकते। फमन अतदा अलैकुम फअतदू अलैहि बिमिस्ली मा अतदा अलैकुम, जितनी ज्यादती तुम पर की गई उतनी ही ज्यादती तुम सामने वाले पर कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। यादलों के खिलाफ होगा, ये सब्रों के भी खिलाफ होगा। दूसरी बात, जुर्म किसी ने किया हो और सजा किसी और को दी जाए, ये भी शरीयत की निगाह में आदलों के खिलाफ है, नहीं कर सकते। शरीयत इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देती। तकलीफ मुझे किसी ने पहुंचाई है और मैं उसके एवज में और बदले में किसी मासूम को सताऊंगा या उसकी जानो माल के पीछे मैं पड़ जाऊंगा, शरीयत का कोई भी उसूल और कोई भी जाब्ता उसके मानने वाले को इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता है। इसलिए कि निगाहे शरीयत में सबसे बुनियादी चीज अदल है और अदल आए से आएगा अमन। जहां अदल नहीं रहेगा वहां बदअमनी आएगी, जहां अदल आएगा वहां अमन रहेगा। और अमन को बाकी रखना, सुकून के माहौल को बरकरार रखना, जैसे अरबाब इख्तदार की जिम्मेदारी है, ऐवान हुकूमत में बैठने वाले अफराद की जिम्मेदारी है, ऐसे मातहत रियाया और हर व्यक्ति की भी जिम्मेदारी है, हर फर्द और शहरी की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी जात से जितना हो सके अपने माहौल में गर्दो पेश में अमन अमान सुलह आस्ती और सुकून के माहौल को बरकरार रखने की मेहनत करे, कोशिश करे। लेकिन इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि वो अपनी जान दे दे, बचाना जिम्मेदारी है उसकी और समाज के दूसरे अफराद की जिम्मेदारी है कि अगर वो अपनी जान की रक्षा खुद नहीं कर रहा है, कमजोर साबित हो रहा है, तो तमाशाई नहीं बन सकते हैं, उसकी हिफाजत सब मिलकर करें। ये इज्तिमाई कुव्वत का इस्तेमाल होना चाहिए। ये सब उसूल शरीयत है, न मेरे घर की बात है ये, ना आपके घर की बात है, उस अल्लाह के जो है की बातें हैं जिसने एक दीन और एक शरीयत आसमानों से हमको दिया है, ये उसकी बात है और ये सब के लिए है, सब समाज वालों के लिए है और अहले ईमान के लिए खास तौर पर। लेकिन ये सारे उसूल हमारी जिंदगी से निकल गए, इसलिए जुल्म हो रहा है, जालिम जालिम बना हुआ है, मजलूम मजलूम बना हुआ है, मजलूम की आहों पर कोई कान धरने वाला नहीं, जालिम के पंजे जुल्म को कोई रोकने वाला नहीं। जिनके पास ताकत है वो भी नहीं रोकते और जिनके पास ताकत नहीं है वो कोशिश भी नहीं करते। इस एतबार से हर आदमी जिम्मेदार है समाज में, इसका हर आदमी जिम्मेदार है, चाहे मामला सफर का हो या हजर का हो, मामला किसी भी जो है शोबे जिंदगी का हो, जिम्मेदारी तो सबकी है, जानो माल की हिफाजत सबकी जिम्मेदारी है।
और कोशिश तो जरूर करना चाहिए। लेकिन ऐसे हालात पैदा क्यों हो रहे हैं? देखिए अल्लाह की तरफ से आजमाइशों का दौर आता है मेरे भाइयों। आजमाइश, फितने, जांच होती है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ताला ने हमसे एक सवाल कुरान में किया है, अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन वा अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फलयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदकु वलयअलमन्नल काज़िबीन। कुरान में बहुत क्लियर फरमाया गया, तुम ये समझते हो कि तुम्हें यूं ही बेकार पैदा किया गया? नहीं, हम उस वक्त तक आखिरी निजाम को बाकी रखेंगे इस दुनिया के, जब तक हम ये नहीं जान लेते हैं कि तुम में पक्के और सच्चे कौन है और तुम में कच्चे और झूठे कौन है। अल्लाह ये जान कर रहेगा, और इस जांच और पड़ताल के लिए, इसको साबित करने के लिए अल्लाह ताला इम्तिहानात से अहले ईमान को खास तौर पर गुजारते हैं। इम्तिहानात का दौर आता है, इम्तिहान तो मुश्किल ही होता है, और इम्तिहान मुश्किल होना चाहिए, कॉपी नहीं होना चाहिए उसमें, वरना बेसलाहियत और गैर काबिल लोग आगे चल जाएंगे और सलाहियतमंद पीछे रह जाएंगे अगर कॉपी होगी तो। आज ऐसे हो रहा है कि नहीं समझ? इसको मैं आसान लफ्जों में कहूंगा, जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। जो है गधे आगे चले जाएंगे, घोड़े पीछे रह जाएंगे। कभी इम्तिहान सब तो नहीं हुआ, निगरानी सब तो नहीं हुई, ले दे के अंदर से काम चला, तो ऐसे लोग आगे पहुंच जाएंगे जिन्हें अपने आप को संभालना नहीं आता, जो अपने आप को नहीं पहचानते, ऐसे लोग आगे जाएंगे फिर। ना अहल किस्म के लोग, नाकारा किस्म के लोग, वो औरों की रक्षा क्या कर सकेंगे? औरों की जिंदगी की हिफाजत कैसे करेंगे? तो अल्लाह ताला इम्तिहानात से गुजारेंगे। कुरान करीम में अल्लाह ताला दूसरी जगह कहते हैं, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई वनक्सि मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबशिरिस साबिरीन। हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे, उसकी पहली शक्ल खौफ, वलनब्लुवन्नकुम मिनल खौफ, खौफ आएगा, हम खौफ डालेंगे तुम पर, गैरों का, दुश्मनों का। ये आजमाइश का तरीका है अल्लाह ताला का। जब खौफ आए तो क्या करना है तुम्हें? दूसरा तरीका आजमाइश का वलजू, भूख से आजमाएंगे, कहीं कहीं कहत साली पैदा होगी, इंसानों और जानवरों के लिए खाने का इंतजाम नहीं हो पाएगा, भूख की हालत पैदा करेंगे, रोजी रोटी के मसाइल तंग हो जाएंगे। वनक्सि मिनल अमवाल वल अनफुस, माल घट जाएगा, कम हो जाएगा, वल अनफुस, और कभी जान लेकर भी हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे और तुम्हारी जांच करेंगे, जाने ली जाएगी, अल्लाह ताला लेंगे जान, शक्लें अलग अलग रहेगी, लेकिन जान लेने वाले को आसानी से जान लेने थोड़ी देने का है। हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुतिल दूना इर्ज़िही फहुवा शहीद, वमन कुतिल दूना मालिही फहुवा शहीद, वमन कुतिल दूना दीनिही फहुवा शहीद। जो अपनी जान की हिफाजत करते करते मारा गया शहीद है, माल की हिफाजत में मारा गया शहीद है, और जो अपनी आबरू और इज्जत की हिफाजत में मारा जाए वो भी शहीद है, जो अपने दीन और ईमान की हिफाजत करते करते अगर मार दिया गया वो भी शहीद है। हिफाजत जिम्मेदारी है। तो इन इम्तिहानात से अल्लाह ताला हमको गुजारेंगे। अब इम्तिहान की घड़ी चालू है हमारी इस मुल्क में, तो करना क्या है फिर? अब ये सब कुछ मेरे भाइयों हालात पैदा होते हैं अमाल की खराबी से। रीजन बुनियादी तौर पर यही है, बातें बहुत सारी कही जा सकती है लेकिन बुनियादी रीजन यही है। इसलिए अब हालात की तब्दीली के लिए और अल्लाह की नाराजगी को दूर करने के लिए
जुल्म की जगह अमन को लाने के लिए और अदल को के माहौल को बनाने के लिए, शायर दीन की हिफाजत के लिए, अपनी जानो माल आबरू और दीन की हिफाजत के लिए क्या करना है, वो रूहानी और कुरानी नुस्खा है इस्तिग़फ़ार। रूहानी नुस्खा भी है ये, कुरानी नुस्खा भी है ये, और अल्लाह को पसंदीदा भी है ये। इस्तिग़फ़ार करना है, इस्तिग़फ़ार अल्लाह ताला से, अल्लाह तबारक व ताला से अपनी गुनाहों की माफी तलब करना, फर्दन भी और इज्तिमाअन भी, अकेले भी, सब मिलकर भी, क्योंकि हम कमजोर हैं और हमारा अल्लाह ताकतवर है। हम इस वक्त मगलूब हैं लेकिन हमारा अल्लाह कभी मगलूब नहीं होता, वो हर वक्त गालिब है। लिमनिल मुल्कुल यौम, किसकी बादशाही है? लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, उस अकेले और तन्हे तन्हा फरमारावा और खुदा की बादशाही दुनिया में चलती है। अल कहारी, जो सब पर गालिब है, जो फिरौन को डुबा सकता है, कारून को धसा सकता है, मूसा को बाहर ला के कामयाब कर सकता है, जो अल्लाह यूसुफ को कुएं की पस्तियों और गहराइयों और तारीकियों से निकाल करके मिस्र के तख्त और ताज का मालिक बना सकता है, वो अल्लाह जो सरकश नमरूद की नाक के रास्ते से एक लंगड़े मच्छर को दान करके उसके दिमाग को ठिकाने लगा सकता है, वो अल्लाह हमारा है और वो हर वक्त गालिब है। लेकिन निगाहें हमने उससे हटा लिए, निगाहें हमारी उससे हटी हुई है। इस्लाम से हमारा ताल्लुक एक त्यौहार, एक रस्म, एक कमजोर सा रिश्ता, कभी कभी अल्लाह के घर में आ गए, कभी ना चाहे तो नहीं आए, हाथ उठाए उसके सामने तो दो चार मिनट तो मुश्किल से हाथ उठे, बाकी तो फिर छोड़ दिए। ऐसा कमजोर रिश्ता है हमारा अल्लाह से, इससे काम नहीं बनेगा। अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं, जो आयत मैंने खुतबे में पढ़ी है, फकुल तस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा, इस्तिग़फ़ार करो अपने अल्लाह से, मुझे भी आपको सबको हुक्म है, अल्लाह से माफी तलब करो। तौबा और इस्तिग़फ़ार के रास्ते से फायदा क्या मिलेगा? इन्नहु काना गफ्फारा, वो माफ कर देगा, तुम माफ कर देगा। और कुरान करीम में सिर्फ ये नहीं कि तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे, कुछ लोग अपनी निजी जिंदगी में बहुत परेशान रहते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत बेइत्मीनान जिंदगी गुजारते हो। सबसे पहली बात तो यही है कि ये गुनाह इसका सबब होता है, इसकी बुनियाद गुनाह होती है। वो गौर करे अपने तन्हाइयों पर, वो गौर करे अपनी जलवतों पर, अपनी खलवतों पर, अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ लम्हात पर, वो अपनी इनफिरादी और इज्तिमाई जिंदगी पर बहुत सोचे कि मुझसे क्या चूक हो रही है अल्लाह के हुजूर में, इसलिए मैं बेइत्मीनान हूं, बेसहारा बन जाता हूं, मेरा दिल कभी मुतमईन नहीं रहता, ऐसा क्यों है मेरे साथ? तो निगाहें तो हमारी इधर उधर जाती है, असबाब पर जाती है, लेकिन दरअसल सोचने की बात यह है कि मुझसे खता क्या हो रही है। कभी कभी किसी की आजमाइश का सिलसिला लंबा हो जाता है, तो इस्तिग़फ़ार के नतीजे में अल्लाह ताला ऐसे परेशान हाल लोगों की परेशानियों को भी दूर करेंगे। इस्तिग़फ़ार ऐसी ताकत है कि अल्लाह मग़फ़िरत भी करेंगे और जिस परेशानी में मुब्तला है बंदा उसको भी दूर कर देंगे। लेकिन इस्तिग़फ़ार ताकतवर होना चाहिए। उसके बाद अल्लाह ताला इसके नतीजे में, इस्तिग़फ़ार के नतीजे में माल भी अता करेंगे। युम्दिदकुम बि अमवालिन व बनीन, माल देंगे अल्लाह ताला, दुनिया देंगे, असबाब देंगे दुनिया की जो इंसान की जरूरत है, औलाद देंगे अगर औलाद नहीं है तो। इस्तिग़फ़ार के नतीजे में औलाद वहां से आती है ना, खजाने उसके पास है,
माल भी देंगे दुनिया का, औलाद भी देंगे अल्लाह ताला, और तुम्हारे लिए जिंदगी का सुकून भी देंगे। आप कुरान करीम की एक दूसरी आयत पर गौर करो, बहुत अजीब आयत है कुरान की। अल्लाह ताला कहते हैं वमन यअमल सुअन, जिस किसी से बुराई हो जाए, हर किसी से होती है, अंबिया के अलावा कोई मासूम नहीं, खता सबसे होती है, किसी से कम किसी से ज्यादा, खताओं में इंसान मुब्तला हो जाता है, ना चाहते हुए भी कभी मुब्तला हो जाता है। अब गलती हो गई, गुनाह हो गया, मैं अमल सुअन औ यज़लिम नफ्सहु, या उसने अपने आप पर जुल्म कर लिया। अपने आप पर जुल्म कैसे करेगा आदमी, अल्लाह की नाफरमानियों में अपने आप को मुब्तला करना, यह अपने आप पर जुल्म है, जालिम बन गया हो। अपने आप पर भी जुल्म करता है इंसान, अपने को नहीं पहचानता कि मैं किसी रब का गुलाम हूं और उसका बंदा हूं, मेरी जिम्मेदारियां क्या है, समाज में मेरी जिम्मेदारियां क्या है, मेरे घर में मेरी जिम्मेदारियां क्या है, और मामलात की सफाई के एतबार से मेरी जिम्मेदारियां क्या है। वो झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, वो गलत पे गलत खाया जा रहा है, वो मामलात को शरीयत के खिलाफ करता चला जा रहा है, उसे रिश्वत का कोई पता नहीं, उसे सूद का कोई फर्क और तमीज नहीं है, बस उसे तो दुनिया की ताकत, दुनिया की कुव्वत, नुमाइश और उसको जो है चाको चमक चाहिए, उसके लिए वह दुनिया में बहरा है। वो ये अपने आप पर जुल्म कर रहा है, या जुल्म किसी और पर करे, दोनों जालिम है। लेकिन ऐसा जुल्म अगर हो गया तो अल्लाह ताला कहते हैं सुम्म यस्तगफिरिल्लाह, कुरान का नुस्खा है, फिर वो इस्तगफार कर ले, अल्लाह से माफी मांग ले, अल्लाह मुझसे खता हो गई, मस्जिद का रास्ता देखा ही नहीं मैंने, तो तुझसे गुनाहों की तौबा तो की ही नहीं मैंने, तो ए मौला गलत खा लिया मैंने, लेकिन एहसास तक नहीं मुझको, दूसरों पर नाहक जुल्म कर लिया, किसी को मार दिया, किसी का मान ले लिया, किसी की आबरू को मैंने नीलाम कर दिया, जो भी मुझसे खता हो गई, तेरे दर का रास्ता मुझे कभी मिलता नहीं है ढूंढने के बाद भी। तो ऐसा जो कुछ भी हुआ यस्तगफिरिल्लाह, वो अल्लाह से मगफिरत चाह रहा है, मुझे माफ कर दे। तो कुरान करीम में यूं कहा गया यजीदिल्लाह गफूरर रहीम, वो अल्लाह ताला को मगफिरत करने वाला और रहम करने वाला पाएगा। अल्लाह ने ये नहीं कहा गफरहुल्लाह, अल्लाह उसको माफ कर देगा, यगफिरुहुल्लाह, अल्लाह उसे बख्श देगा, यजीदिल्लाह गफूरर रहीमा, कुरान में जो अंदाज इख्तियार किया है, अल्लाह को वो पाएगा, अल्लाह को पा लेगा वो, जब तौबा और इस्तिगफार के नतीजे में कि अल्लाह उसको बख्श देने वाला और माफ करने वाला पाएगा, वो अल्लाह मिल जाएगा उसको। तो इस्तिगफार और तौबा का रास्ता पूरी ताकत से इस वक्त अपनाने की जरूरत है, अपने इनफिरादी हालात के लिए भी और हमारे इज्तिमाई हालात के लिए भी रास्ता है हमारे लिए इस्तिगफार और तौबा का। और अमाल की दुरुस्तगी पहले करना पड़ेगी, नियत कर लेंगे कि हम अपने अमाल को सही करेंगे इंशाअल्लाह, फिर तौबा करेंगे, कबूल जरूर होगी वो। तो हदीस पाक में तो अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा बलगा ज़ुनूबुका अनानस समाई या अब्दी, ऐ मेरे बंदे तेरे गुनाह जब आसमानों जमीन के कलावे पाट दे और भर दे, यानी जमीन और आसमान की खला गुनाहों से भर जाए, सुम्मस्तगफिर और फिर तुम तौबा करो तो मैं लाग़फिरन लकुम, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूं। अल्लाह ताला तो हमारा ऐसे माफ कर देंगे अल्लाह ताला, लेकिन माफी कौन मांगेगा। ये हमारा जो कमजोर रिश्ता है ना इस्लाम से, ये आगे जाके बड़े खतरनाक नतायज ला सकता है। इस वक्त तो मैं जल्दी में आपको बता रहा हूं तारीखी हवालों से कि बहुत सारे इस्लामी मुल्कों में रहने वाले खानदान और कबीले मसीही और यूरोप मुल्कों में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? वहां आजादी से रहेंगे, इस्लाम की बंदिशों से दूर रहेंगे, और जैसे वो कौमें आजाद जिंदगी गुजारती है ऐसे ऐशो इशरत के नक्शों में हम भी रहेंगे जा करके। बड़ी तेजी से इस्लामी मुल्कों से हिजरत करके मसीही और यूरोपीय ममालिक की तरफ मुसलमान खानदान जा रहे हैं। उलमा कहते हैं कि ये वो लोग जा रहे हैं जिनका इस्लाम से कमजोर रिश्ता है,
जो इस्लाम को दीन और दुनिया में और आखिरत के एतबार से अपने लिए कामयाबी का रास्ता यकीन के साथ नहीं समझते। चुनांचे मिस्र के एक बहुत बड़े आलिम शेख अली अत-तंतावी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी पोती है मोमिना अल एजाम, वो अपनी रिपोर्ट में कहती है कि एक जमाना था हमारे दादा जान शेख अली अत-तंतावी से हम कहते थे कि हम भी अमेरिका चले जाएंगे, लंदन यूके यूएस चले जाएंगे और फला कनाडा चले जाएंगे, लेकिन हमारे दादा ने कभी इजाजत नहीं दी। हालांकि वो इतने पावरफुल इंसान थे कि आलमी शख्सियत थी शेख अली अत-तंतावी रहमतुल्लाह, लेकिन उन्होंने कभी इजाजत नहीं दी। उनका इंतकाल हो गया, 40-50 वर्ष गुजर गए, उसके बाद जब मैं अमरीका यूके पनामा लंदन ये मसीही और यूरोपीय मुल्कों में गई और मुझे वहां पर हिजरत करने वाले खानदानों से मेरी मुलाकातें हुई, पता चला उनके सर्वे के मुताबिक वो कहती है कि जो लोग 100 साल पहले इन मुल्कों में आए थे उनके खानदान के 96% लोग गैर मुस्लिम बन गए, जो 80 साल पहले आए थे इन मुल्कों के अंदर इस्लामी मुल्कों को छोड़ करके उनके खानदान के 75% लोग क्रिश्चियन बन गए, बुद्धिस्ट बन गए या किसी और मजहब में चले गए, और जो लोग 60 साल पहले आए थे उनके 40% लोग घराने के बोलो गैर मुस्लिम बन गए। ये जाने का खतरनाक नतीजा हो, इस्लाम से रिश्ता कमजोर था। और इससे ज्यादा हैरत की बात सुनो, मोमिना अलीजाम शेख अली अत-तंतावी रहमतुल्लाह अलैह की पोती कहती है कि शेख अली अत-तंतावी रहमतुल्लाह अलैह के खानदान के लोग हजरत के इंतकाल के बाद जब यूरोप के ममालिक और अमेरिका में गए, मैंने उनका हाल और तहकीक की तो पता चला कि शेख अली तंतावी रहमतुल्लाह अलैह के पोतों में और पोतों की औलाद में यानी पोतों के बच्चों में 15-20 लोग ईसाई और क्रिश्चियन बन गए। एक मुहद्दिसे समाना और एक फकीहे वक्त के खानदान भी महफूज नहीं रहा क्योंकि रिश्ता इस्लाम से कमजोर था, रिश्ता इस्लाम से कमजोर था। इसलिए यह कमजोर रिश्ता आगे जाकर के बड़े खतरनाक नतायज ला सकता है, मैं आपको यह तारीखी हवालों से बताना चाहता हूं। इसलिए अमाल की दुरुस्तगी और पूरी ताकत के साथ अल्लाह के हुजूर में इस्तिग़फ़ार करना है और तौबा करना है। बस 2-4 मिनटों में इन मौजूदा हालात के अंदर, इन मौजूदा हालात के अंदर हमारे अकाबरीन बुजुर्गाने दीन खुसूसन महाराष्ट्र के मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब फतेहपुरी ने ये अपील की है और उलमा इकराम का भी ये मंशा है कि हम कुनूते नाजिला का एहतमाम करें, फजर में कुनूते नाजिला पढ़ी जाए। अइम्मा मसाजिद को चाहिए कि वो कुनूते नाजिला का एहतमाम करें। हालात की संगीनी का सबको इल्म होता नहीं है, लेकिन हमें इस्तिग़फ़ार इनफरादी तौर पर भी करना है। मस्जिदें नमाज के औकात के अलावा में भी अफराद मस्जिदों में नजर आना चाहिए। इस्तिग़फ़ार तो अपने घर पे भी होता है, लेकिन मस्जिदों में भी ये मंजर दिखना चाहिए कि हम दीगर औकात में आकर के तौबा कर रहे हो और इस्तिग़फ़ार कर रहे हो। हज़रात सहाबा की जिंदगी में ये सुन्नत और ये नमूना मिलता है कि इस्तिग़फ़ार करें, सदका और खैरात दे हालात में अमन लाने के लिए, जुल्म सितम के खात्मे के लिए इस्तिग़फ़ार सदका और खैरात और कुनूत नाज़िला का एहतमाम कीजिए। कुनूत नाज़िला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही है। वीर मऊना के मौके पर जब जुल्मन सहाबा शहीद कर दिए गए थे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महीने तक फजर की नमाज में कुनूत नाज़िला का आपने एहतमाम फरमाया था और नाम ब नाम उन काफिरों के नाम लेकर के आपने कुनूत नाज़िला में बद्दुआ फरमाई थी। कुनूत नाज़िला में कुछ जुमले दुआइयां हैं, कुछ जुमले बद्दुआओं पर मुश्तमिल है, इसलिए फजर में कुनूत नाज़िला पढ़ी जाए और एहतमाम से पढ़ी जाए और मुक्तदी हजरात इमाम साहब के जुमलों पर आहिस्ता आहिस्ता आमीन कहेंगे। ये है हमारे लिए इस मुल्क में यानी इस वक्त के हालात का तकाजा, ये है कि हम इस्तिग़फ़ार का एहतमाम, इस्तिग़फ़ार के नतीजे में अल्लाह ताला हमारी निजी और ज़ाती परेशानियों को भी दूर फरमाएंगे, माल और असबाब की बरकतें हासिल होंगी और सबसे बुनियादी चीज जो इस्तिग़फ़ार के नतीजे में मिलेगी वो है हमारे दिल का सुकून। दिल का सुकून इस्तिग़फ़ार से मिलता है। अब आप गौर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहते हैं इन्नी लास्तग़फिरुल्लाह फिल यौमी मियता मर्रतिन अव कमा कालन नबी अलैहि सलाम, मैं एक दिन में
100 मरतबा इस्तगफार करता हूं, मैं एक दिन में 100 मरतबा इस्तगफार करता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इस्तगफार की जरूरत ही नहीं थी, आपकी क्या खता थी, आपका क्या कसूर था, कुछ नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उम्मत को तालीम देने के लिए आप अलैहि सलातु वसलाम अमल का एहतमाम करते कि मैं दिन भर में 100 मरतबा इस्तगफार करता हूं। तो हम ज्यादा मुस्तहिक है कि हम इस्तगफार करें, सदका और खैरात करें, अपने मामलात को साफ कर ले और जो है मस्जिदों को आबाद करे, इसलिए कि हम कमजोर है, अल्लाह की जात गालिब है और दुआओं और तौबा के रास्ते से हम अपने अल्लाह से अपनों को राजी, अल्लाह को राजी करके अपने हालात को बेहतर बना सकते हैं। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और इस्तिगफार दुआओं का और नमाजों का एहतमाम करने वाला बनाए। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।